फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, इनसे सुरक्षित अपने घर पे होंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 6:30, और ये देखिए नाश्ता बना रही हूँ दलिया, एंड इस कुकर में बन रहा है सब्जी, और ये दलिया बन के लगभग तैयार है। उसके बाद सेकूंगी रोटी। तो फ्रेंड्स, आज चीकू को पिकनिक पर भी जाना है, स्कूल की तरफ से पिकनिक जा रहे हैं, और ईशू का एग्ज़ाम चल रहा है, आज लास्ट पेपर है। खैर, आज इंग्लिश का है और लास्ट पेपर है, एंड उसको थोड़ा जल्दी निकलना है। वैसे जल्दी जाता है 7:15 तक, लेकिन आज 7 बजे ही निकलना है, जल्दी पहुंचना है स्कूल। तो बस मेरा नाश्ता एंड लगभग सब कुछ बन चुका है, फटाफट सबका लंच पैक कर दूँगी और नाश्ता करके फिर लंच लेके लोग निकलेंगे। फिलहाल पिकनिक से आ चुके हैं और मैं उनके स्कूल पहुंच चुकी हूं उनको लेने, रिसीव करने। तो ये बस से सब बच्चे उतर रहे हैं, सबके पेरेंट्स यहां खड़े हैं। बहुत भीड़ लगी हुई थी, लेकिन स्कूल वाले अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे सबको सेफली पहुंचाने। तो ये हैं चीकूलाल जो कि आ चुके हैं, अभी जाएंगे स्कूल के अंदर अपनी मैम के पास, फिर मेरे को मैम से लेना है चीकू को। तो ये अंदर चले गए हैं और मैं जाऊँगी चीकू को लेके आऊँगी मैम के पास से। इतनी देर से चीकूलाल को ढूंढ रही हूँ पर कहीं दिख नहीं रहे, बहुत भीड़ थी, बच्चे बहुत और पेरेंट्स सबके, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसमें समझ में नहीं आता कहाँ, बहुत ज़्यादा ढूंढते। तो ये दिखे चीकू, ये खड़े हुए अभी मेरा ही वेट कर रहा है, देख रहा है कि सबकी मम्मी आ गई, मेरी पप्पी अभी नहीं आई, तो मुझे देखते एक्साइटेड हो गया। चीकूलाल को बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया, चलो आओ आ जाओ। अच्छा, मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आओ। क्या तो ये चीकूलाल पिकनिक करके आ गए, इधर देखो, बोलो। हमने हमने ना राइड भी करी है। अच्छा जी, मजे किए खूब। चीकूलाल गए हैं आज पिकनिक और अभी 3 बज रहे हैं, अब वापस आए और है ना चीकूलाल, इधर देखो चीकूलाल की फर्स्ट क्यों हो। हाँ, खाने पीने का भी मिला था, चाउमीन वगैरह सब खा लिया था, है ये छोड़ भी दिया था कुछ, आइसक्रीम भी मिली थी वहाँ पर। खाई तो आ रहा है, पैसे ले लूँ फिर, चलो उधर बैठ के तब कितने चाहिए, कितने वो चाहिए, नारियल पानी पी लो, ये ऐसे नहीं करो ना, ऐसे करके पियो। जैसे फ्रेंड्स आप सबको पता है आज गणेश विसर्जन का दिन है, गणेश जी का आज लास्ट दिन है, तो विसर्जन होने, ये हमारी गली के थोड़ी गली से थोड़ी दूर पे ये मूर्ति रखी गई थी, तो उसी का विसर्जन था। तो मैं जब चीकू को घर लेके वापस आ गई और चेंज वेंज करा दिया, उसके बाद फिर मैंने ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनी, तो फिर हम लोग भग के गए दर्शन करने कि हम लोग भी लास्ट दर्शन कर लें और प्रसाद वगैरह पा लें, तो बस उसी के लिए भग के गए। तो ये हमारी गली के सामने से ही लेके जा रहे थे, सब लोग खूब धूमधाम से नाच गा रहे थे, ढोलने का भूखे आवाज़ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, एक मतलब बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल एक सुकून मिलता है। तो भाग भाग के गए, प्रसाद मिल गया हमें, तो ये देखिए हमें प्रसाद भी मिल गया हमें, जय और स्वाती को। मम्मी तुम्हारा लड़का तो दिखानी, वो सब नाच रहे थे ना उसमें होगा, प्रसाद मिल गया हमें तो, ये देखो स्वाति तो प्रसाद खाना शुरू भी कर दी, शाम भगवान की सेवा लगे, वहाँ खाए होंगे फल फ्रूट, खाना भरे ना खाए हों। मम्मी को लड्डू देना चाहिए था वहाँ, नींबू ला के और क्या मारूंगी, बकवास करेंगे मम्मी चाय खा थी लड्डू तो खा लिया, लड़का आया मुझसे एक दिन रो रो के कह रही है
मुझे गणेश भगवान का लड्डू नहीं मिला था तो मैंने उस दिन गणेश भगवान से बनाया, अगले साल ही मुझे लड़का हो गया, मुझे लड्डू मिल गया। हाँ बताओ बताओ, लड़का लड़की वाला जो नहीं, ये भी नहीं हुआ था। बात ये थी कि मैं ये छोटी थी, मैं दो दो लड़कियों को भी संभालना था और ये उस दिन गणेश चतुर्थी थी। अच्छा, तो मम्मी और चाची इकट्ठे ही करती थी पूजा। अच्छा, जब ये दीवार नहीं गए तो मम्मी जो है चाची बाद में चली जाती हूँ और चलो पूजा तो आवत रही है इंतजाम सारा जिसे बुजवा उजवा देत रही तिलुल आवे जब मम्मी चाची के साथ है वहाँ भी मम्मी करी सब सही मन कर रहा था नाचने का। अब तो मेरा भी मन था नाचने का लेकिन क्या होता। अच्छा ये बताओ वैष्णो देवी किस महीने में गए थे? मैं दिसंबर में गई, तो बहुत ठंड थी, बहुत ठंड। अब अक्टूबर में पता ही मतलब ये सारे ऐसे हम लोग चलते थे ना तो पेड़ों पे बर्फ ऐसे जमी दिखती थी, पेड़ ऐसे चिपके रहते थे। अच्छा बबलू जी वहाँ देखो दीदी उधर देखो उधर बर्फ गिर रही, तब भीड़ नहीं रही होगी बहुत। अब मेरा अक्टूबर में है लेकिन अक्टूबर में ठंड रहेगी। फर्स्ट जनवरी पे लोग जाने के लिए वो रहते हैं ना परेशान, तो उसी वजह से मेरा शायद 24 से 25 दिसंबर की थी। अच्छा पूरा पैदल चल के गए थे ना आप लोग? मम्मी जिस दिन दिल्ली है शायद ईशु पापा कल भी जाए वैष्णो देवी क्योंकि ऑफिस पे फ्रेंड्स आज मम्मी रोटी सेक रही है। आज चीकू बहुत एक्साइटेड है ना चीकू? तुमने पहली बार देखा दादी को रोटी सेकते हुए? पहले दादी बनाती थी पूरा ये अपने लड़कियन खातिर रोटी बनाओ था। हाँ छोट 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 बनाए नमक लगा बस खा ही लेते रहे, लेकिन हमारे लड़के ना ही खाता ना मम्मी मेरे इतने अच्छे ना ही हमारे लड़के ये भालू भालू। देखो मम्मी आज रोटी सेक रही है। अरे इनको आता बेटा पूरा खाना बनाती थी पहले। अरे पूरी बना रही है कि रोटी बना रही है? रोटी बना रही है और चीकू बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि दादी आज रोटी बना रही है। पूरी की तरह तो सेक रही है। छोटी छोटी रोटी बनाती है वो, बड़ी बड़ी नहीं बनाती। अरे टीरो बना रही है टी रो आटा डूब गई मैं देखो डूब। ये बात चिमटा है मम्मी चिमटे से सेको। ये देखिए मम्मी कितनी बढ़िया रोटी बना रही है। करीब 1.5-2 साल बाद आज मम्मी रोटी सेक रही है। तुम खाओगे ये वाली रोटी? हाँ। दादी ने बनाई है। हाँ, हाँ, दादी वाली रोटी खाओगे? हाँ। सही बताओ। अच्छा। वो तो अभी खाना ही नहीं खा रहे ना, अभी तो उन्होंने पैर हाथ भी नहीं धुला कुछ भी नहीं किया उन्होंने। घी नमक लगा देती हूँ तुम खा लो, तुम्हारी दादी ने बनाई है रोटी। अरे दादी को दे दे। चाल खाएंगे जैम और रोटी रोटी। अरे सब्जी भी है, सब्जी क्यों नहीं ले रहे तुम? ना जैम को दे बात से देखो गाइस कितना यम्मी है। गौर से देखो गाइस कितना यम्मी है जैम। क्या जैम यम्मी है? दादी रोटी सेक रही है। अरे दादी अरे वाह खाओ खाओ खाओ। इसको बंद कर देती हूँ जैम को। मम्मा ने खुला किया था क्या? नहीं मैंने खोला है भी। तुम खा लो जाओ कमरे में खा लो, वहाँ फैन चल रहा है ना, जाओ वहाँ बैठ के खा लो। जाओ चम्मच तो उठा लो, रख दो सिंक में, सिंक में रख दो, जाओ रूम में बैठ के खा लो। लाओ मम्मी सेकी। अरे दादी को सेक रही है तो सेक रही है तो कितना सेकेंगी वो? अरे सेक बस वो सेक चुकी है, उनको ज्यादा नहीं थका सकती मैं। अरे मम्मा सेकने दो ना। नहीं ना। अरे सेकने दो। क्यों तुम्हें क्यों इतना चाहते कि दादी सेकी रोटी? अरे पहली बार सेक रही है तो सेक दो। पहली बार? हाँ पहली बार तो सेक रही है। चलो फ्रेंड्स बाकी मैं सेक लेती हूँ मम्मी अभी मत कर ली और अब खुद बैठ के अपना वीडियो देख रहे हैं है ना चीकू?
तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।